आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार में चुनावी घमासान मचा हुआ है। 16 जिलों की 71 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। हालांकि बिहार की जनता में उत्साह बहुत था, लेकिन जो परसेंटेज निकल कर आया है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसलिए तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बिहार की जनता अब जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं क्या उनसे निराश हो चुकी है, क्या कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, जितने भी हमारे बॉलीवुड सितारे हैं ये भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार के चुनाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि देश का कोना कोना इससे इफेक्टेड हो रहा है। लिहाजा बॉलीवुड सितारे भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अब देखिए, सोनू सूद ने भी पहले चरण के मतदान से पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि बिहार की जनता सोच समझकर जो है अपना मतदान करे, और ये सिर्फ पहले चरण के मतदान के लिए नहीं बल्कि आने वाले जितने भी चरण के मतदान होने हैं 10 नवंबर से पहले पहले, अभी 1-3 को होना है और 1-7 को होना है। तो ऐसे में सोनू सूद ने बिहार की जनता से और खासकर जो उनके फैंस हैं उनसे अपील की है कि भाई देखिए, बहुत दिमाग लगाकर और बहुत सोच समझकर आप जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले सोनू सूद ने क्या लिखा है वोटिंग को लेकर, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उन्होंने कहा है, जिस दिन हमारे बिहारी भाइयों को घर छोड़कर दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, जिस दिन दूसरे राज्य के लोग बिहार में काम ढूंढने आएंगे, उस दिन देश की जीत होगी। वोट के लिए बटन उंगली से नहीं, दिमाग से लगाना। तो ये कुछ इस तरीके का ट्वीट सोनू सूद ने किया है, जो ये इशारा कर रहा है कि सोनू सूद भी एक्टिवली नजर बनाए हुए हैं कि बिहार का चुनावी समीकरण आखिर है क्या। वैसे आपको बता दें, सोनू सूद इन दिनों चर्चाओं में हैं लोगों की मदद करने के लिए। प्रवासी मजदूरों के मसीहा तो वो कहे ही जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे कोरोना काल के दौरान सोनू सूद लगभग हर जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। वो बात अलग है कि कुछ एक तबका ऐसा है जो सवाल खड़े कर रहा है, जो ये कह रहा है कि सोनू सूद पीआर स्टंट कर रहे हैं, लेकिन इन सब से इतर सोनू सूद अपनी मस्ती में मस्त लोगों की मदद कर रहे हैं और देश के जितने भी मुद्दे हैं उन पर वो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। तो सोनू सूद ने बिहार की जनता को जो ये मैसेज दिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।